एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रोजेक्ट का फर्स्ट पेज बनाना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड टर्म में आपका प्रोजेक्ट है जो है वो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे वो आज हम देखेंगे। आज फर्स्ट पेज हम देख रहे हैं, यहाँ मैंने MS वर्ड ओपन करके रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर MS वर्ड है, प्लस जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं XYZ पब्लिक स्कूल रोहतक, इट मीन यहाँ पे मैंने आपने सबसे पहले अपने स्कूल का नेम राइट करना है। अब नेम राइट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। टेक्स्ट बॉक्स आपको कहाँ से मिलेगा, होम के साथ जो आपकी इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स आप लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉक्सेस मिलेंगे आपको। जो भी आप बॉक्स आपको प्रोजेक्ट के लिए एक्यूरेट आपको लगता है वो लीजिए, वहाँ पे आप राइट करें नेम। उसके बाद देन मैंने यहाँ राइट किया है ए प्रोजेक्ट फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है वहाँ आपको नाम देना है अपने सब्जेक्ट का, इट मीन्स दूसरे आपका जो यहाँ पे मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो बेस करता है। मैंने ये कहाँ से लिया है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप जाएंगे यहाँ से, आपने जैसे यहाँ से लिया था ना ये टेक्स्ट बॉक्स, जब हमने स्कूल का नेम राइट किया था फर्स्ट लाइन में, अब हमें जब अपने प्रोजेक्ट का यहाँ हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था स्कूल नेम, सेकंड में हम यहाँ लिख रहे हैं प्रोजेक्ट जिस पे आपका बेस करता है। उसके लिए हमें चाहिए वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में हम जाएंगे। वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको शेप सिखा रहा है कि किस स्टाइल में आप अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट फाइल नेम है जो दिखाना चाहते हो, यहाँ पे स्टाइल्स दिए गए हैं, कोई भी स्टाइल लेके आप ये राइट कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ लिया हुआ है ये वाला स्टाइल, स्टाइल 8, तो मैंने यहाँ क्लिक किया लाइक दैट। ये जैसे आप यहाँ राइट करना शुरू करेंगे तो वो उसी स्टाइल में आपको दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, या फिर इसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये उसी स्टाइल में आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे स्टाइल्स दिए गए हैं, आप किसी पे भी क्लिक करें उसी फॉर्म के अंदर ही आपका वर्ड आर्ट चेंज कर देगा। उसके बाद है टॉपिक, आप टॉपिक राइट कर सकते हो MS वर्ड में नॉर्मल फॉर्म में जाके। जैसे राइट करोगे ये जो यहाँ पे टॉपिक वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट डाटा शीट डाटा बेस दिया गया है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है इन तीनों को मिला के बनाया गया है, इसीलिए इस ये टॉपिक किस पे बेस करता है वो मैंने यहाँ राइट किया है। उसके बाद एक इमेज इंसर्ट कराई है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्यूटर बेस है, तो वहाँ पे मैंने एक पिक्चर ले ली। पिक्चर मैंने कहाँ से ली मैं आपको दिखा रही हूँ, व्यू के साथ फॉर्मेट में गई मैं। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको पिक्चर स्टाइल्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप पिक्चर स्टाइल पर क्लिक करोगे वही आपके जो इमेज है उसी शेप में उसी फ्रेम के अंदर आपको दिखाई दे। तो यहाँ से आप इमेज को चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। देन स्क्रॉल किया मैंने, यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको सेशन दिखाई दे रहा है कि आपका ये सेशन है 2020-21। यहाँ आप राइट करेंगे आपकी इमेज के बाद, आफ्टर दैट सबमिटेड आपकी जो टीचर नेम है वो यहाँ आएगा, देन IT इंचार्ज सबमिटेड, जिस टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं वो सबमिटेड बाय, मीन्स टू से आप यानी आप स्टूडेंट्स अपना नेम यहाँ राइट करेंगे, अपनी क्लास यहाँ राइट करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पेज ऑफ प्रोजेक्ट। तो आज से हमने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की है, आगे हम क्लासेस में प्रोजेक्ट कम्प्लीट करेंगे, तो आप बने रहें जिससे आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो सके और आपके एग्ज़ाम भी ये ही है, तो आप जल्दी से सीखें, बने रहें क्लास के लिए। तो आज ये फर्स्ट पेज जो मैंने आपको सिखाया है ये आप ज़रूर से ज़रूर दोबारा से करके देखें एक बार। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, टेक केयर।